हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शर्मीज किचन। आज मैं आप लोगों के साथ डॉल केक बनाने का रेसिपी शेयर करूंगी। ये डॉल केक बहुत आसान तरीके से घर में बन जाता है और उसका टेस्ट भी बिल्कुल मार्केट जैसा होता है और ये दिखने में भी बहुत ही सुंदर होता है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं डॉल केक बनाने का रेसिपी। केक के बैटर बनाने के लिए हमें 250 ग्राम मैदे, 100 ग्राम पिसी हुई चीनी, 50 ग्राम मिल्क पाउडर, 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल, 1 बड़े कप लिक्विड मिल्क, वैनिला एसेंस, 1 पिंच बेकिंग सोडा, 1 पिंच बेकिंग पाउडर का जरूरत है। अब मैंने सबसे पहले ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है इसको एक छन्नी से छान लेती हूँ। मैंने हर ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिल्क पाउडर, पिसी हुई चीनी, शक्कर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा सबको अच्छा से छान ली। फिर मैंने इसके अंदर जो 1 बड़े चम्मच ऑयल लिए तो उसको मिला दिया, वैनिला एसेंस मिलाया और 1 बड़े कप मिल्क लिक्विड जो मिल्क था उसको भी इसके अंदर मिक्स कर दिए और एक स्पैचुला से इसे अच्छा से मिक्स करना होगा। अब हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है। अब ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया तो आप चाहे तो इसके अंदर थोड़ा सा और मिल्क ऐड कर सकते हो और इसे अच्छा से मिक्स करना होगा, ज्यादा जोर से फेंटना नहीं। आप जो केक का मोल्ड है आप देख सकते हो, ये बिल्कुल डॉल केक जैसा नीचे का हिस्सा है, डॉल जैसा। अब इसके अंदर मैंने बटर पेपर से और बटर से इसे अच्छा से ग्रीस कर दिया। आप माइक्रोवेव को मैंने 180 डिग्री सेंटीग्रेड में 10 मिनट प्रीहीट कर ली। आप जो केक का मोल्ड था वो रेडी था। अब उसके अंदर मैंने वो बैटर, केक का जो बैटर मैंने रेडी करके रखा था उसको इसके अंदर डाल दी और इस बैटर को थोड़ा सा टैप करना होगा। इसके अंदर कोई भी एयर बबल नहीं होना चाहिए तो केक बहुत अच्छा बनता है, फ्लैपी बनता है। अब देखो इसका मोल्ड का, आप ऐसे मोड़ लेना। अब मैंने माइक्रोवेव को 180 डिग्री सेंटीग्रेड में लेके इसे 35 या 47 मिनट के लिए मैंने इसे ऑन कर दिया। 45-40 मिनट्स के अंदर केक अच्छा से बेक हो जाता है। केक का आइसिंग बनाने के लिए मैंने 2 कप व्हिपिंग क्रीम लिया, ये बिल्कुल चिल फ्रिज में रखा हुआ था। इसे एक ब्लेंडर से मैंने अच्छा से इसे ब्लेंड कर लिया। 10 से 15 मिनट ब्लेंड करने से ये व्हिपिंग क्रीम अच्छा फ्लैपी बन जाता है। व्हिपिंग क्रीम को मैंने 3 हिस्सों में बांटा, एक व्हाइट रखा, एक में थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर, रेड फूड कलर मिलाया, व्हाइट बॉल्स लिया, चेरी लिए और शुगर सिरप ले लिया। इसमें हमारा केक आइसिंग हो जाएगा। अब ये केक ठंडा हो गया, बिल्कुल रेडी है। मैंने नीचे से इसका बटर पेपर को हटा दिया और इसका जो ऊपर का हिस्सा है हमें उसे थोड़ा सा चाकू से निकालना होगा। ये मैंने जब डॉल केक सजाऊंगी तब इसके ऊपर मैंने इसे सेट कर दूंगी। अब देख लो अच्छा से। अब उससे वो केक से मैंने और एक हिस्सा भी गोल से निकाल लिया। टोटल केक को मैंने 3 हिस्सों में बांट लिया। अब जो टर्न टेबल है उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा व्हिपिंग क्रीम लगाया जैसे केक इसके अंदर अच्छा से सूट हो जाए। ये अभी मैंने केक का नीचे का हिस्सा इसके अंदर सेट कर दी और व्हिपिंग क्रीम लेके केक को अच्छा से स्प्रेड कर दिया और केक को पूरा ढक दिया मैंने व्हिपिंग क्रीम से। अब भी बिल्कुल इसी प्रोसेस से करना। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा मिक्स फ्रूट जैम है उसको मैंने अच्छा से इसके ऊपर दे दिया और एक केक का हिस्सा इसके ऊपर दिया। फिर मैंने थोड़ा सा क्रीम, व्हिपिंग क्रीम जो मैंने व्हिप करके रखा था अच्छा से ब्लेंड करके उसके ऊपर दिया और इसे अच्छा से केक को कवर कर दिया।
अब हल्का हाथों से टर्न टेबल को धीरे धीरे घुमाते रहना और व्हिपिंग क्रीम को केक के ऊपर सेट करना है। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा और मिक्स फ्रूट जैम डाल दिया, ये केक का टेस्ट पे थोड़ा सा खट्टा खट्टा टेस्ट इसमें आएगा। आप केक का लास्ट जो हिस्सा है जो मैंने सबसे पहले काटा था उसको इसके ऊपर सेट किया। अब देखो थोड़ा सा डॉल का नीचे का शेप आ गया। इसके ऊपर मैंने शुगर सिरप थोड़ा सा ये दे दिया और व्हिपिंग क्रीम को ऊपर से अच्छा से स्प्रेड कर दिया इसके ऊपर। ये काम आप धीरे धीरे करना, क्रीम अच्छा से सेट हो जाएगा इसके ऊपर और जो केक था वो बिल्कुल क्रीम से ढक जाएगा। आप ये जो केक सेट करने का जो ब्रश है उससे हमने केक का क्रीम को अच्छा से सेट कर दिया। अब देख लो नीचे का हिस्सा बिल्कुल रेडी है। इसके ऊपर मैंने ये जो डॉल है इसको मैंने सेट कर दिया। धीरे धीरे डॉल को मैंने बीच में सेट कर दिया। अब देख लो कितना अच्छा से ये सेट हो गया। आप भी ऐसे ही करना बिल्कुल। आप एक व्हिपिंग बैग के अंदर मैंने जो ग्रीन कलर का क्रीम बनाया था ग्रीन फूड कलर से उसी से मैंने डॉल का ड्रेस का डिजाइन बना रही हूँ। मैंने ऐसा शेप दिया, आपको जिस कलर सा पसंद है उसी फूड कलर से क्रीम को आप कलर कर सकते हो। मैंने ग्रीन और रेड कलर से और डॉल का ड्रेस बनाया। ऐसे धीरे धीरे करके आप डिजाइन करके मैंने डॉल का ड्रेस बना लिया। अब उसके अंदर जो शुगर का बॉल था छोटा छोटा उसको भी सेट कर दिया। डिजाइन आपका मनपसंद के हिसाब से कोई भी ड्रेस बना सकते हो। डॉल का ऊपर में भी मैंने डिजाइन बनाया, उसका हाथों में कानों में भी डॉल का डिजाइन बनाया। अब देख लो अब भी ऐसे ही बनाना। अब हमारा डॉल के बिल्कुल रेडी है साफ करने के लिए। आप कोई भी किसी के भी बर्थडे में आप ये डॉल पे घर में बना सकते हो। आपको कैसे लगा मेरा डॉल केक का रेसिपी अगर मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। घर में बनाइए, सबको सरप्राइज कीजिए। मेरा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। टाटा बाय बाय।